बाल देखिए रात में कैसे हो गए हैं। सो गाइस, मेरे को दो रातें हो गई हैं, मैं ढंग से सो नहीं पा रही हूँ। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि सो हम रात को उठ गया था और फिर उसने मुझे सोने नहीं दिया है, और मैं दो दो रातों से नहीं सो पाई हूँ। सो चलो, क्या कर सकते हैं, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है तो उन्हें पूरा भी रहे। हमारे शैतान जी, राम राम, बोलो राम राम। नाम नाम। पूछो कैसे हो। बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो चलिए चाय बनाते हैं। तो मेरी चाय बन के रेडी है, हम बुला रहे हैं, सुन के आते हो, अभी आए हैं और आके उन्होंने लंच करना था। दो पी ली इतनी जल्दी, ठंड है। हाय राम, मतलब मेरी चाय तो फिर ठंडी होगी होगी। बिल्कुल बिल्कुल ठंड है, ठंड में गरम गरम पीनी चाहिए। आप तो घर बैठे हो सुबह की, और मैं जाके अभी आ गया। नहीं, आप लंच करने आए, और लंच में परोठे कौन खाता है? जिसने ब्रेकफास्ट ना किया वो खाता है। क्यों, आपने ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया फिर? पता नहीं, कोई कह रहा था कि मैं रात को लेट सोई थी, मेरे को नींद आ रही है, चाय चाय पियो और भाग जाओ यहाँ से। यार मैं दो रातों से सो नहीं पाई हूँ। That's not my fault। आपका ही फॉल्ट है, आपका लड़का जग जाता है तो आपको भी मेरे साथ जगना चाहिए। आपका नहीं है तो मेरा है, मैं तभी तो जगती हूँ। जब एक जग रहा दूसरे जग रहा। अच्छा, बना रही हूँ आज आलू के पराठे। तो हमारे बिहार वगैरह वाली साइड ना, इसमें इसको फ्राई भी करते हैं, मतलब थोड़ा सा सॉल्ट कर लेते हैं, पर यहाँ पे नहीं करते। तो मैं ऐसे बनाऊंगी, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करूंगी। और अभी मैं इसमें मसाले बाद में डालूंगी, क्योंकि मुझे पहले सोहन के लिए बनाना है। सो मैं मसाले डालूंगी, मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा चाट मसाला, एक क्रंच, मतलब एक खट्टापन सा आएगा। और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगी धनिया पाउडर, और थोड़ा सा ही मैं इसमें ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर। तो आपको मुझे बताना कमेंट में, आपके घर आलू के पराठे कैसे बनाए जाते हैं? मेरे घर में, मम्मी के घर में तो इसको फ्राई किया जाता है, और यहाँ पे मैं ऐसे ही बनाने वाली हूँ। तो चलिए बनाते हैं पराठे। और फिर हम लोग पराठे खाते हैं ना, एक तो हमें प्यास बहुत ज्यादा लगती है पराठे खाने के बाद, और दूसरी बात कि ऑयली होता है, तो कई लोग सोचते हैं हम ना खाएं, अवॉइड करें, या कईयों को मतलब नहीं हजम होता है, लाइक ऐसा कुछ। तो सबसे पहले तो बनाते हुए इसमें एक चुटकी ना हींग डाल दीजिए, और दूसरा जब आप आलू को बॉईल करेंगे ना, तो उसके पानी में भी एक चुटकी हींग डाल दें, और इसमें अजवाइन डालें। हाँ जी बेटा, अजवाइन डालें। इससे ना जो है कि मतलब इसकी जो ये हमें नुकसान करता है ना, उसमें कुछ परसेंटेज कम होएगा। मैं ये नहीं कहती कि 100% ये काम करता है, नहीं 100% नहीं, बट कुछ परसेंट आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो चलिए मैं पहले सोहम को खाना खिलाती हूँ, ये मुझे तंग कर रहा है। राम राम बोल दो, रोटी खानी है। चलिए मैं इसको खाना खिलाती हूँ। और फिर अब मैं ना आपको एक बात बताना भूल गई थी, जैसे मैं लहसुन नहीं खाती, मतलब मैं तो खाती हूँ, ओम को नहीं पसंद है, तो मैं यहाँ पे अवॉइड करती हूँ लहसुन खाना। तो आप उसमें लहसुन की 4 से 5 कलियाँ डाल दीजिएगा, जब वो आप मसाला बनाएंगे उसको, लहसुन को ना थोड़ा सा फ्राई कर लेना तब डालना, कच्चा कच्चा तो मुँह में अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर उससे भी बहुत रिलीफ रहता है उसमें, मतलब वो आपको एक तो क्या बोलते हैं यार, मतलब आपका हाजमा नहीं खराब होगा उससे, या फिर आपको ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। ऑयली कहते हैं ना नहीं खाना चाहिए, तो ज्यादा नुकसान नहीं। शाम के बज चुके हैं 6:30, और हम थोड़ी देर रेस्ट करने लगे थे। रेस्ट क्या करना, सोहम उठा हुआ था, तो रेस्ट तो मैं क्या ही करूंगी। और मेरे पति देव सारा दिन फोन में बिजी है, आज संडे इंजॉय कर रहे हैं। सो चलिए चलते हैं चाय बनाने के लिए, और मैंने अपनी प्लेट्स खोल दी है, और मैंने नहा के दोबारा से यही जैकेट पहन ली, क्योंकि मेरी सारी जैकेट्स मैंने धोई थी ना, तो वो थोड़ी गीली गीली सिली सिली सी थी, तो मैंने दोबारा यही पहन ली। और फिर मैं जा रही हूँ चाय बनाने, चलते हैं चाय बनाते हैं और फिर मिलते हैं। सो गाइस, हमारे यहाँ पे तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ऐसा हो गया है कि सूरज भी नहीं निकल रहा है, कई दिन हो गए हैं, और कपड़े भी नहीं सूख पाते हैं। कपड़े धोने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, सूख नहीं पाते, मतलब
अगर ड्रायर में हम उसको ड्राई करके भी डालते हैं ना, तो उसके बावजूद भी सिले सिले से रह जाते हैं, गीलापन सा उसमें रह जाता है। और सेम सिचुएशन मेरे साथ भी होगी है। मैंने सोचा था आने के बाद सारे कपड़े मैंने एक साथ धो दिए थे, और अब तक नहीं सूखे हैं कई कपड़े। जो मैं डाल रही थी मैंने वो भी धो दिए और वो भी नहीं सूखे हैं। क्या कर सकते हैं, प्रेस कर करके काम चला रहे हैं। तो चलिए चाय पीते हैं। और फिर चाय तैयार है तीनों फैमिली मेम्बर्स की, और मैंने मट्ठी दी है, कुछ बिस्किट्स हैं, और वो काजू वाले छोटे छोटे बिस्किट्स होते हैं ना वो हैं। तो चलिए देते हैं महाशय को चाय। ओ मिस्टर लो चाय। अरे पकड़ो ना मिस्टर, आपकी स्माइल बता रही है कि आप सोए नहीं। जल्दी उठो, गिर जाएगी मेरे हाथ से। सोने भी नहीं देती। उठो उठो उठो, ये कोई सोने का टाइम है, इट्स टी टाइम। ये वाले काजू बिस्किट्स की बात कर रही थी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये, बचपन में बहुत खाए हैं मैंने। और मट्ठियाँ, चाय और मट्ठी के साथ तो अलग ही स्वाद आता है। वाले बिस्किट खाए, आप लोग बताना आप लोगों ने बिस्किट खाए हैं बचपन में। आई लव दिस। और पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड वॉइस इग्नोर करिएगा, ये इंसान पागल होता है। अपन देख सकते हैं आप, बंदे से उठा नहीं जा रहा कि उठ के बैठ के मैं चाय पी लूं, लेट के लेट के चाय पी जा रही है। इतना आलस लेके क्या करोगे? जो आप लेती हो, जब मैं सुबह जाता हूँ और सोती रहती हूँ। बाकी काम कौन करता है? फिर मैं सोहम घूमने के लिए रो रहा है। क्या हुआ, कहाँ जाना है बताओ मेरे को, बताओ पहले कहाँ जाना है। हेलो, हाथ पकड़ लिया, चलो चलो। इसका शूज खुल रहा है बार बार, एक मिनट रुको। चलो मेरी एक्साइटमेंट देखो लड़के की। कहाँ जा रहे हो सोहम, कहाँ जा रहे हो? चलिए देखते हैं कहाँ घुमा के लेके आएंगे, पता नहीं आए तो बड़े। सोहम के बहाने मुझे भी घूमने को मिल जाता है। मुझे एक बार कमेंट में बताना कि किस किस को ऐसे रात को घूमना पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। चलो बच्चे के बहाने यही तो घूम लेते हैं। आप नहीं घूम रहे हो, आप गाड़ी खराब हो गई है तो ओम गए हैं, शायद अगर उनकी कोई हेल्प कर सकते हैं तो वो करेंगे। वो देखिए उन लोगों की गाड़ी खराब हो गई है, ओम वहीं पर खड़े हैं। आई थिंक से थोड़ा बहुत बता रहे होंगे या जो कर सकते हैं उनकी हेल्प वो कर रहे होंगे। ये लोग शायद कहीं बाहर से आए हुए हैं तो हेल्प करना था। चलिए देखते हैं क्या हेल्प होती है इनकी हमसे। तो उनकी गाड़ी ठीक हो गई है और हम लोग वापस चले आए, और उन्होंने थैंक यू भी किया हमें। क्या हुआ था उनकी गाड़ी में? अरे उनकी गाड़ी में ना बैटरी की दिक्कत थी, बैटरी खत्म हो गई थी उनकी। अपनी गाड़ी की बैटरी उतार के उनकी गाड़ी में लगा दी थी, स्टार्ट करके फिर उनकी लगा दी, चार्ज हो जाएगी थोड़ी देर में। तो वैसे मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगी, अगर ऐसे कोई लोग दिखे, रात का टाइम था, जैसे ठंड है, वो लोग बेचारे ठंड में खड़े भी थे और उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, पता नहीं कितना टाइम लग जाता। सो प्लीज ऐसे ऐसे लोगों की हेल्प जरूर किया करिए, शायद आपको कभी जरूरत पड़े तो भगवान आपके लिए भी ऐसे ही कोई हेल्पफुल पर्सन भेज देगा। सो चलो अब घर चलते हैं, बहुत घूम लिया, बहुत फिर लिए। इसकी शक्ल नहीं दिख रही, ये राम राम कर रहा है। सो चलिए घर चलते हैं, और चल के थोड़ा डिनर डुनर बनाते हैं, खाते हैं, मिलते हैं, फिर मिलेंगे। बोलो राम राम। हैं और भूख लगी है, चलो खाना बनाते हैं। और मैंने आज कोई सब्जी नहीं बनाई है क्योंकि ओम ने बोला था साग टेस्टी बनाए, तो मैं साग के साथ ही खाना खाऊंगी। और फिर मेरे को ना अपने लिए बनाने में आलस आता है, अकेले के लिए। अगर कोई साथ में कंपनी वाला हो तो आदमी बना भी लेता है, बट अकेले ना आलस आ जाता है। तो बस हम थोड़ा सा सामान वगैरह लेके आए थे, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी घर में, मैगी वगैरह, और सोहम के लिए चीज़ लेके आनी थी। इसके साथ साथ आदत हो गई है चीज़ बोलने की। सो चलिए खाना बनाते हैं, अभी बर्तन भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी साफ करने हैं। ठंडा पानी इतना, हमारा गीज़र है ना एक्चुअली उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी वो ठीक कराएंगे तो गर्म पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। गाइस हमने डिनर कर लिया है और मैं अपना सारा किचन का काम ख़त्म करके आ चुकी हूँ, मतलब बर्तन साफ़ कर चुकी हूँ और स्लेब वगैरह साफ़ कर दिए, गैस वगैरह साफ़ कर दिया। मेरे को ना शादी के बाद से, मतलब पहले तो मैंने कभी काम नहीं किया है, बट शादी के बाद से मुझे ये हैबिट है कि मैं अपना किचन हमेशा साफ करके सोती हूँ। लो सोहम देखो। बोलो हाय गाइस। हाय गाइस करो। बोलो गुड नाइट।
मैं बता रही थी ना आपको कि तो मुझे ना शुरू से आदत डाली हुई है, तो मैं अपना किचन साफ करके सोती हूँ। बाई चांस अगर मेरे को बीमार हूँ या फीवर वगैरह हो जाता है तो रह जाता है, अदरवाइज मैं हमेशा इसको साफ। सब सो चुके हैं और मुझे भी बहुत नींद आ रही है, देखिए मेरी आंखें कैसी हैं। मैं एक्चुअली मीटिंग कर रही थी, रात के 2 बज चुके हैं। सो चलिए, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, और ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के लिए आगे तक बनी रहिए। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, आपको सिर्फ एक टैप करना है और मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सो बाय, गुड नाइट, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। सो बाय, गुड नाइट, थैंक यू।